ज्ञान भी दीपक रूपी प्रकाश है जो हमारे जीवन की अज्ञानताओं विषमताओं को दूर कर। कक्षा 3 में अंग्रेजी माध्यम से अनुभव खुला है
जो क्रमशः आगे बढ़ता जाएगा। हमारा सभी की विद्यालय परिवार स्कूल अनुभव कक्षा सिस्टम से द्वादश तक 25 अध्ययनरत छात्राओं की संख्या 1100 पीजीटी 12 पीजीटी 28 पीआई 1 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर 2 लैब असिस्टेंट 3 लैब अटेंडेंट 1 क्लर्क 2 प्योन 1 क्लीनर 2। परीक्षा पर एक विहंगम दृष्टि। AISSC क्लास 10 शामिल छात्राओं की संख्या 187 उत्तीर्ण 182 प्रथम श्रेणी 92 उत्तीर्ण प्रतिशत 97.3% क्लास 12 विज्ञान विभाग शामिल छात्राओं की संख्या 43 उत्तीर्ण 28 प्रथम श्रेणी 22 उत्तीर्ण प्रतिशत 65% कला विभाग शामिल छात्राओं की संख्या 124 उत्तीर्ण 99 प्रथम श्रेणी 57 उत्तीर्ण प्रतिशत 79.8% वाणिज्य विभाग शामिल छात्राओं की संख्या 52 उत्तीर्ण 43 प्रथम श्रेणी 27 उत्तीर्ण प्रतिशत 82.7% उपरोक्त परीक्षाफल हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं के उचित एवं सम्यक मार्गदर्शन तथा 4.5% इसे हिंदी इंग्लिश और संस्कृत तीनों सब्जेक्ट में हाईएस्ट आया है। बहुत ही हर्ष की बात है। 6D रोल नंबर 90.9% अंक मिले हैं और मैथ्स में हाईएस्ट मिला है 89.1%। थर्ड सृष्टि द्विवेदी क्लास 6D रोल नंबर 23 90.3% अंक मिले हैं। अकाउंटेंसी में 76.3% अंक मिले हैं, हाईएस्ट मिला है उसे। मिश्वा नाच 11D रोल नंबर 41 बिजनेस स्टडी में 81.8% अंक मिले हैं उसे। पुरस्कार देकर के अनुग्रहित करें। एग्जाम AISSE 2012 क्लास 10 फर्स्ट अंजलि और फर्स्ट पायल कुमारी और फर्स्ट निक्की कुमप्रिया प्रिया तीनों लड़की ने CGPA 10 प्राप्त किया है, इसीलिए फर्स्ट पोजीशन दिया गया है। 12th साइंस फर्स्ट संध्या कुमारी सेकंड एकता मार्गरेट बेग सेकंड बबली कुमारी 482.6% अंक मिले हैं। एक और छात्रा सेकंड है अंकिता शाह, इसे भी 82.6% अंक मिले हैं और पॉलिटिकल साइंस में हाईएस्ट मार्क्स है 95% अंक हैं। थर्ड है तृप्ति मेरा, हाईएस्ट मिला है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट 95% ज्योग्राफी में और इकोनॉमिक्स में 96% अंक। श्वेता कुमारी इसे भी पॉल साइंस में 95% अंक मिले हैं। प्रियंका कुमारी एब्सेंट। थर्ड अंजलि 11A रोल नंबर 11 नायक मुख्य कार्मिक अधिकारी चित्तरंजन रेल कारखाना प्रधानाध्यापक देश बंधु विद्यालय
सामान्य तौर पर एवं शिक्षक गण इतना हो रही है कि मैं कार्यक्रम में मुझे शरीक होने के लिए आमंत्रित किया गया। और जब भी मैं यहाँ किसी भी कार्यक्रम में आता हूँ हर बार ही मुझे बड़ा अच्छा लगता है और हर बार ही आप लोग पहले से अच्छा कुछ प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि अभी प्रधानाचार्य महोदय ने आपके बताया विद्यालय का स्कूल प्राचार्य महोदय प्राचार्यगण सदस्यगण कर्मचारी परिषद सोशल सिंह जो स्कूल का सदस्य कर्मचारी परिषद अभिभावकगण विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिका सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्कूल की छात्रा उपस्थित देवियों सज्जन सबसे बड़ा खुशी की बात यही है कि जो लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं कि यहाँ जितना पेरेंट्स आए हैं आई थिंक वो छात्राओं से बहुत है। शिक्षा एक ऐसी चीज है, ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट जिसमें स्टूडेंट्स पेरेंट्स वो अच्छा बताए। आज सारे और आपका ये सहयोग से अपने बच्चों को बहुत अच्छा होगा, उनका जो शिक्षा का जो लक्ष्य है जो एम वो जरूर पूर्ण होगा। और हम अपने तरफ से जैसे कि प्राचार्य महोदय बोले स्कूल के तरफ से जो कमियां हैं हम पिछले एक साल से कोशिश कर रहे हैं कि उसको दूर करने के लिए एक लाइब्रेरी का बहुत जरूरी था, जो लाइब्रेरी था लेकिन वो ऐसे कंडीशन में नहीं था कि वहाँ पे बच्चे जाके बैठे और पढ़े। मैं खुद देखा था दैट वॉज नॉट इन ए कंडीशन वेयर स्टूडेंट्स का रीड पीस बुक। सो उसके चलते वी हैव टुडे इनॉग्रेटेड ए लाइब्रेरी जहाँ पे बच्चे जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक किताबों के सवाल है स्टूडेंट्स या पेरेंट्स सजेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं होगा, हम किताब पूरा सप्लाई करेंगे। जी ना।
एग्जाम क्या बताऊं। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हारे एग्जाम कैसे गए?
पता है मैंने 18-18 घंटे तक पढ़ाई की तो फिर फेल क्यों हो गई? अरे अरे कमबख्त, किसी ने बताया ही नहीं कि सिलेबस बदल गया है। चलो मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। बताओ। We have many options, like poison, jumping from a building, coming under the train, but we choose education. Why? तरफ तरफ के मरेंगे, फिर भी सहेंगे। अच्छा, अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ। पूछो। सबसे ज्यादा नशा किस चीज में होता है? सिंपल, किताबों में। वो कैसे? क्योंकि इन्हें पढ़ते ही नींद आने लगती है। कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में सुना है? कितनी मांग बढ़ गई है हर जगह, कंप्यूटर ये कंप्यूटर वो। सही बात है, ऐसे भी कंप्यूटर की पढ़ाई तो उतनी इजी भी नहीं है। प्रैक्टिकल तो बहुत मजेदार लगता है, लेकिन हाँ उसका थ्योरी ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। हाँ ये भी बात है। अच्छा तुमने कभी सोचा है हमारे भगवान लोगों ने कंप्यूटर क्यों नहीं सीखा? क्योंकि उनके जमाने में कंप्यूटर नहीं था ना। नहीं नहीं, जैसे मैं शंकर भगवान और पार्वती जी की बात करती हूँ, पता उन्होंने कंप्यूटर क्यों नहीं सीखा? के जमाने में कंप्यूटर नहीं था। अरे नहीं बाबा, गणेश जी उनका माउस लेकर भाग गए। अच्छा आजकल हर सारी जगह पे ये हो जा रहा है। अच्छा मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। पूछो। नेपोलियन कब मरा? कभी नहीं मरा। तुम्हें नहीं पता? सबसे अपने अंतिम युद्ध में मरा। ओ, और तुम मुझे कुछ नुस्खे दे दो ना एग्जाम्स के। अच्छा हाँ, पहला मेरा नुस्खा, अगर क्वेश्चन पेपर टफ हो चिंता मत करना, बस क्वेश्चन पेपर देखना, आंखें बंद कर लेना, फिर गहरी सांस लेना और जोर से बोलना, वाह क्या मजेदार सब्जेक्ट है, इसे अगले साल फिर पढ़ेंगे। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताने वाली थी। बताओ क्या बात बताने वाली थी? पता है एक बार मैं कुछ दिन पहले एक टीचर ने एक बच्चे को मतलब सबक सिखाया, माई हेड मीन्स मेरा सिर, ठीक है। फिर उस बच्चे ने उस सबक को याद रखने के लिए घर में बार बार प्रैक्टिस किया, तो प्रैक्टिस करने के दौरान उसके पापा ने उसके सबक को सुना कि माई हेड मीन्स वो बच्चा बोल रहा था मास्टर जी का सिर, पर पिताजी को पता चल गया कि बच्चे से गलती हो रही है, इसलिए उन्होंने बच्चे को समझाया, नहीं बेटा माई हेड मीन्स मेरा सिर। फिर उस बच्चे ने ऐसा ही किया, याद किया। फिर अगले दिन फिर टीचर ने उससे पूछा, अरे बेटा मैंने आप लोगों को एक सबक सिखाया था कि माई हेड मीन्स मेरा सिर, तो तुम लोग बताओ अब मुझे। अच्छा सुनो तुम बताओ। तो वो बच्चा मासूम था, तैयार हो गया बताने के लिए। फिर जब उसके टीचर ने पूछा माई हेड मीन्स क्या होता है, तो उसने जानते हो क्या बोला? क्या बोला उसने? बोला माई हेड मीन्स स्कूल में मास्टर जी का सिर और घर में पिताजी का सिर। अच्छा अब हम बस यहीं तक, अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अब हमारा अगला कार्यक्रम आगे आप देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। This heavy, so heavy, you don't feel it.
बगल में देखो या पड़ोसी बोलो या किसी का फोन आ जाए तो
करूँ। आजकल सीरियल का जो नशा इस तरह है, नहीं भी देखो तो भी देख, सुनने को तो मिलता ही रहता है ना, साउंड जो इतना ज्यादा रहता है। अच्छा, पूर्ण विश्व में भारत जैसा देश कहीं नहीं, जहाँ कई रंग एक साथ दिखाई देते हैं, फिर वो रंग चाहे भिन्न प्रांतों का हो, भिन्न वर्णों का हो, भिन्न भाषाओं का हो, भिन्न वेशभूषा का हो, भिन्न नृत्यों या फिर भिन्न त्योहारों का हो। 31 राज्य, 1618 भाषाएं, 6400 जातियां, 6 धर्म, 24 मुख्य उत्सव और असंख्य त्योहारों के होने के बावजूद भारत एक अखंड देश है। ऐसी भारत भूमि के नागरिक होने पर हमें गर्व है, जहां हम अनेकता में एकता से जीते हैं। आपको नहीं लगता कि हम इंडियंस बड़े ही अजीब हैं? हम मॉडर्न भी हैं और संस्कारी भी। हम श्रद्धा और अंधश्रद्धा दोनों एक साथ मानते हैं। हम यदि तथ्यानुसी हैं तो विज्ञान और तकनीकी में विश्व को अपना लोहा भी मनवाते हैं। चाहे जितनी भी दुनिया घूमे, हमारी खुशी सिर्फ घर में ही है। हम सूर्य कोटि स्तंभ प्रभा निर्विघ्नम गुरु में देवल सर्व कार्य सर्वदा विघ्नहर्ता गणेश की पूजा। भारत के हर प्रांत में निर्विघ्न कार्य की समाप्ति के लिए की जाती है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की महिमा के तो क्या कहने। भाद्रपद की चतुर्थी तिथि को गणेश मूर्ति की स्थापना बड़ी श्रद्धा के साथ अधिकांश घरों में की जाती है। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गण
Lika tu amar udhe rangi ki bo.
दिया तारा मोदी दो तारा अमरे झलिए ना बारे भावर लिखा अमरे कुलवा का बारे भावर लिखा अमरे कुलवा का उन्हें जीवित ये मांगना अंगना Jump.
कुमार।